एवरी वन चीवा मिन्ना सॉन गिंकी फाइन सो टीडियो जैपनीज ग्रामर दस जो मैं पढ़ाने का जो रेफरेंस लूँगी वो मैं लूंगी मिन्नो निहंगो से सो ग्रामर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इट इज अ वेरी इंटीरियर पार्ट इन सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपको ग्रामर अच्छे से पता है किसी सेंटेंस का तो फिर आप इजीली उस लैंग्वेज का सेंटेंस बना सकते हो सो लेट्सटार्ट फ्रॉम द बेसिक्स सो बेसिक्स लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो ग्रामर uh, पार्टिकल आता है वो है देस दी ई एस यू दिस इसे मैंने जापनीज में भी लिखा है और बगल में इंग्लिश में भी सो वट इज़ देस दिस इज़ अ पोलाइट फॉर्म ऑफ टू बी और इन हिंदी वी कैन से है जैसे आई कैन से आई एम सारा सो मैं सारा हूँ ऐसे हम हिंदी में बोलेंगे अगर जापनीज में क्या हो जाएगा वाता शी मीन्स आई या फिर मैं वा वा एक टॉपिक मार्क हैल्सो सारा दैस व ता शिवा सारा दैस मैं सारा हूँ यू कैन टेक अनदर नेम ओल्सो सो इट इज इट इज ईजी राइट इन वन क्लास ओनली यू लर्न हाउ टू सेम लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनिल सो वो समबडी हुज नेम इज़ अनिल सो माई नेम इज़ अनिल मैं अनिल हूँ वता शिवा अनिल दैस सिंपल एज इट इज नेक्स्ट लेट्स कम टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज बॉल दिस इज अ बॉल सो हम क्या बोलेंगे कोरेवा बोरू दिस बोरो बोरोज़ काताकाना आई हैव टोल्ड यू फॉरिन वर्ड्स के लिए वी यूज काताकाना सो जापनीज में बॉल क्या हो जाएगा बोरो uh, हिंदी में यह एक बॉल है यह एक क्या है बॉल है टू बी तो फिर इन जापनीज यह मी यह मीन्स कोरे कोरे मीन्स यह सो दिस इज अ बॉल सो क्या हो जाएगा कोरेवा बोरो दिस अंडरस्टेंड कोई भी चीज़ है आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक वॉल वॉल का जेपनीज होता है कबी सो यू कैन ट्राई कोरेवा कबी दिस दिस इज अ वॉल दिस इज अ लैम्प एंड इफ यू डोंट नो द जापनीज मीनिंग अ वर्ड जस्ट यूज फॉर प्रैक्टिस जस्ट यूज इट एज इट इज लाइक लैम्प सो कोरेवा लैम्प दिस दिस इज अ लैम्प आई एम आई एम एन ऐप्पल वे व रिंगो दिस एप्पल इज रिंगो सो अंडरस्टुंड सो

पहले ही सेंटेंस में हमें मेन आइडिया पता चल जाती है कि किसके बारे में या किस लिए बात हो रही है जैसे आई एम सारा मैं सारा हूँ सो टॉपिक क्या है टॉपिक इज आई मेरा नाम दैट इज़ डिफरेंट थिंग बट मैं मेरे बारे में बात हो रही है मेरा नाम क्या है सारा है सो आई एम द टॉपिक सो टॉपिक के साथ वी यूज वा वाताशी वा लास्ट लेसन ऑल्सो दिस वाशी व सारा दिस मैं सारा हूँ हूँ इज दिस नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्यों हुआ गेट्स यू ओ बी मीन्स मंडे होता है सो वॉट इज द टॉपिक टॉपिक इज टूडे सब्जेक्ट लेकिन टॉपिक क्या है सेंटेंस का टूडे इज मंडे गेट्सू यू इज मंडे क्यों मीन्स टुडे नेक्स्ट हेवी इज स्नेक यह एक स्नेक है इन जापनीज क्या हो जाएगा कोरेवा हेबी दिस इन इंग्लिश दिस इज अ स्नेक सो आप ऐसे कंफ्यूज मत होइए कि दिस इज़ या फिर यह एक है तो यहाँ पे हमने एक क्यों नहीं यूज़ किया जैसे अगर हम हिंदी में एग्जाम्पल लेंगे यह एक स्नैक है लेकिन हम जब उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है दिस इज़ अ स्नैक तो अपने लैंग्वेज के हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम कुछ कुछ चीज़ और ऐड करते हैं तो हर लैंग्वेज का एक अलग स्ट्रक्चर होता है तो जापनीज का भी स्ट्रक्चर है जो बहुत सिंपल है इसलिए कोरेवा भी दिस समझ में आ गया कि हाँ ये स्नैक है अभी आपसे किसी ने किसी ने अगर पूछा कि कितने हैं तो आप उसमें नंबर आप जोड़ सकते हो बट यहाँ पर बेसिक आइडिया वही है सो दिस इज इट गाइस ये है आपका पार्टिकल दस एंड वर्ब जिन दोनों के थ्रू आप सेंटेंस आपका इजी हो जाएगा एंड देर इज नथिंग मोर इन वर्ब पार्टिकल इट्स जस्ट इज इट इज अ टॉपिक मार्क आप किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं एंड लाइक बेसिक्स अभी शुरू करनी है सो so बेसिक्स के लिए दैट इज जस्ट गुड वेन यू विल गो टू हायर लेवल्स यू विल अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू इन एनी वेज I hope you like it. Please like, share and subscribe. Thank you.